दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से एक IRCTC अकाउंट बना सकते हो और क्रिएट कर सकते हो, यानी कि कैसे आपको IRCTC का यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है ताकि आप IRCTC यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सको। तो चाहे आप किसी भी ऐप से ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हो, वो ऐप आपका नॉर्मल IRCTC का भी हो सकता है, या फिर आप कोई UPI ऐप भी यूज़ करते हो ट्रेन टिकट की बुकिंग के लिए, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, या फिर आप मेक माई ट्रिप ऐप यूज़ करते हो, या फिर आप इग्जीगो या फिर कंफर्म टिकट ऐप यूज़ करते हो। अल्टीमेटली वहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए, रिजर्वेशन के लिए आपको IRCTC का यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना होता है। तो IRCTC का यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास बना हुआ होना चाहिए। तो चलिए अब मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं कैसे आपको एक IRCTC अकाउंट बनाना होता है, यानी कि इसका यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना होता है, क्रिएट करना होता है। तो यहाँ मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप सारी एक्टिविटी को देख करके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में IRCTC ऐप इंस्टॉल कर लेना है। आप सिंपली प्ले स्टोर ओपन करोगे और सर्च में जाके आप सर्च करोगे IRCTC। IRCTC सर्च करने के बाद ये ऐप आपको दिखाई दे देगा, IRCTC रेल कनेक्ट। ये रेलवे का ऑफिशियल ऐप है जहाँ से आप रिजर्वेशन वगैरह कर सकते हो ट्रेन में। तो सिंपली आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लोगे। मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सिंपली मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो इस ऐप को ओपन करने के बाद इस टाइप का यूज़र इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ से आप ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हो, यानी कि रिजर्वेशन कर सकते हो। इसके अलावा आप फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हो, बस बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो। अगर आपको ट्रेन के अंदर खाना मंगाना हुआ, यानी कि IRCTC वाला खाना ऑर्डर करना हुआ, तो यहाँ से आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हो ट्रेन में ही, चलती ट्रेन में। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको माई अकाउंट इस पर क्लिक करना है, या फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ये पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए, यानी कि साइन इन करने के लिए, यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना होता है, साथ में ये कैप्चा टाइप करना होता है जो कि यहाँ पर दिखाई देता है, और आप लॉगिन कर पाते हो। लेकिन लॉगिन वही कर पाएंगे जिनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, और लॉगिन करने के बाद ही आप रेलवे की इन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाओगे जो कि मैंने आपको पहले बताया, ट्रेन टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, फूड ऑर्डर इन ट्रेन। तो यहाँ पे हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, यानी कि एक अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्टर यूज़र, ये लाल कलर का बटन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होता है, यूज़र रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको रजिस्टर करने के लिए अपना पर्सनल डिटेल सब कुछ इंटर करना होगा। तो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, अन्यथा आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देख लें, ध्यान से देखें, तभी आप अकाउंट क्रिएट करने जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पिन भी सेट करना होता है पासवर्ड के साथ साथ, मोबाइल पिन। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए होता है, और उसको वेरीफाई भी करना होता है। तो थोड़ा घुमा फिरा सा प्रोसेस है, तो आपको ध्यान से समझ लेना है और देख लेना है पूरा ट्यूटोरियल, तभी अकाउंट क्रिएट करना है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ रजिस्टर करने से पहले। तो यहाँ पे IRCTC में नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, यानी कि रजिस्टर करने के लिए टाइमिंग भी दिया हुआ है। आप सुबह के 9:30 बजे से लेकर के 9:30 AM से लेकर के 11:30 AM तक अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, उस समय नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। तो उस बीच में अगर आप रजिस्टर करने की कोशिश करते हो, तो इस टाइप का एरर आ जाएगा, मतलब इस टाइप का मैसेज आ जाएगा कि आप 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक मॉर्निंग में नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। तो आप इस टाइम के बाद ही किसी भी टाइम पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल इंटर करना होता है वो आप देख लो। आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, ईमेल आईडी इंटर करना होता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। इसके अलावा आपको एक यूज़र नेम बनाना होता है, यही यूज़र नेम आपको याद भी रखना है, यही यूज़र नेम आपको लॉगिन के लिए इंटर करना होता है। जब भी आप IRCTC में लॉगिन करोगे, आपको यही यूज़र नेम इंटर करना होगा, या फिर आप किसी भी ऐप से ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हो तो आपको यही यूज़र नेम इंटर करना होता है। और तो ये जो यूज़र नेम होता है, ये यूनिक होता है, जैसा कि आपके इंस्टाग्राम और ट्विटर का यूज़र नेम होता है जो कि यूनिक होता है। तो यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट और नंबर्स को डाल करके एक यूनिक यूज़र नेम बनाओगे। जो यूज़र नेम ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, किसी और ने बना लिया है, वो यूज़र नेम आप सेट नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई यूज़र नेम रैंडम इंटर करते हो अपने नाम और नंबर्स को मिला करके, और वो नॉट अवेलेबल आ जाता है, इसका मतलब यही होगा कि वो यूज़र नेम कोई और चला रहा है, यूज़ कर लिया है, बना लिया है। तो आपको नया वाला उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके सेट करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक पासवर्ड भी सेट करना होता है। यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर दोगे अपने हिसाब से, और सेम पासवर्ड को इंटर करके कन्फर्म कर लोगे, तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको याद रखना है।
चाहे आप किसी भी ऐप से बुकिंग करते हो, आपको यही यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना होगा। चाहे आप IRCTC ऐप से बुकिंग करते हो या फिर किसी और UPI ऐप से, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, या फिर मेक माई ट्रिप ऐप से बुकिंग करते हो, या फिर इग्जिगो ऐप से करते हो, या फिर कन्फर्म टिकट ऐप से करते हो, तो आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड एट द एंड इंटर करना होता है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम इंटर कर देना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप मिडिल नेम छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल है तो इंटर कर देना है। लास्ट नेम है तो इंटर कर देना है, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हो। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है जो कि ओरिजिनल वाला है। यहाँ से आप मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। नेशनैलिटी में यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, इनमें से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करोगे उसका आंसर भी आपको टाइप कर देना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर इसीलिए डालना होता है ताकि अगर आप फ्यूचर में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाओ तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से आप उसको रिकवर कर सकते हो, अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको आंसर टाइप कर देना है, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस ये सेलेक्ट कर लेना है, सिंगल या फिर मैरिड, ये भी ऑप्शनल है, आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। सारा डिटेल इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको एड्रेस इंटर करना होगा। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप इस पर टिक करके रखोगे। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि घर से दूर रहते हैं और उनका जॉब लोकेशन अलग होता है और घर का लोकेशन अलग होता है, तो ऐसे में उनको इस पर टिक नहीं करना है और उनको अपना करंट एड्रेस भी इंटर करना होगा। लेकिन अगर आप घर में ही रहते हो और आपके घर का एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक कर लोगे और यहाँ पे आपके घर का एड्रेस आएगा, परमानेंट एड्रेस। इसके अलावा यहाँ पे आप स्ट्रीट, एरिया इंटर कर सकते हो, वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लोगे, इंडिया फिर से। यहाँ पे आपको पिन कोड इंटर कर देना है जो कि आपके घर का होगा, सिटी इंटर कर देना है, स्टेट इंटर कर देना है और पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप सिटी सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस सिटी में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनका लिस्ट मिल जाएगा, उनमें से आप अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आपको वापस से अपना फ़ोन नंबर इंटर कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेशन, यूज़र नेम सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, अब आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा OTP के माध्यम से। तो यहाँ पे प्लीज़ लॉग इन टू वेरीफाई योर अकाउंट ये लिखा हुआ मिलता है, सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने वापस से फिर से इस टाइप का पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए कहा जाता है, जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपने सेट किया है। तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कैप्चा दिखाई देता है, वो कैप्चा यहाँ पे टाइप कर देना है, JQEL, आपको अपने हिसाब से जो भी शो होता है वो इंटर कर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा इंटर करके लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा, वेरीफाई अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी देखने को मिल जाता है, यूज़र नेम, इसी यूज़र को आप वेरीफाई करना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर किया था रजिस्ट्रेशन के दौरान, उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP मंगा करके अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है, तो जो आपने मोबाइल नंबर इंटर किया है उसका SS है, तो आप इस पे OTP मंगा के मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है, उसका SS अभी आपके पास नहीं है, तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर को एडिट भी कर सकते हो, अभी भी एडिट कर सकते हो, और बाद में भी आप इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एडिट कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे आप सिंपली सेंड OTP पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP यहाँ पे आप इंटर करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लोगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा जो कि आपने इंटर किया है, तो यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी पे भी जो कि आपने इंटर किया है उस पे OTP मंगा के यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी पे भी एक OTP भेजा जाएगा और वो OTP यहाँ पे आप जीमेल ऐप में जाकर के देख लोगे और इंटर कर दोगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सिंपली OTP मंगाने के लिए सेंड OTP इस पे क्लिक करना होता है। आपके SMS ऐप में और जीमेल ऐप में OTP आएगा, अकॉर्डिंगली आप दोनों का OTP इंटर कर दोगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर का OTP और यहाँ पे जीमेल ऐप का OTP, और आपको सिंपली वेरीफाई यूज़र पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। OTP इंटर करके वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, OTP वेरीफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूज़र नेम जो भी आपने सेट किया है, आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा, यहाँ पे अब आपको फिर से अपना यूज़र नेम, पासवर्ड इंटर करना है और ये कैप्चा टाइप करके लॉगिन करना है।
अब यहाँ पे आपको एक एम पिन सेट करना होता है। वो कैसे करना होता है, क्यों करना होता है, एम पिन का क्या कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा वापस से इंटर करके, जो कि मैंने सेट किया है, लॉगिन कर लेता हूँ। अब आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा फाइनली। अब यहाँ पर आपको पिन भी सेट करना होगा। तो ये 4 डिजिट का पिन होगा जो कि आपका मोबाइल पिन होता है। तो इसको सेट करने का फ़ायदा ये होगा कि अगली बार जब आप इसी मोबाइल में या फिर इसी डिवाइस में अपने IRCTC अकाउंट को ओपन करना चाहोगे तो बस आपको ये 4 डिजिट का पिन इंटर करना होगा और आपको कैप्चा टाइप करके लॉगिन करना होगा और आपका IRCTC अकाउंट इस मोबाइल में ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वापस से ऐप को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करते हो और लॉगिन करना चाहोगे तो उस समय आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना होगा। या फिर आप किसी और डिवाइस में IRCTC अकाउंट को लॉगिन करना चाहोगे तो वहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम यूज़र नेम और पासवर्ड ही इंटर करना होता है। ये जो पिन होता है ये डिवाइस का होता है, आपके मोबाइल का होता है। इवन आप इस मोबाइल में भी IRCTC ऐप को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करते हो और वापस से लॉगिन करना चाहोगे तो ये पिन काम नहीं करेगा। तो अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करोगे तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करना होगा और फिर से ये पिन सेट करना होगा। तो ये पिन आपका टेम्पररी होता है, लेकिन जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने बनाया है उसे आपको डेफिनेटली याद रखना है। बाकी आप भूल जाते हो यूज़र नेम और पासवर्ड तो आप रीसेट कर सकते हो उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से जो कि आपने अपने अकाउंट में डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपना 4 डिजिट का पिन इंटर कर लेता हूँ और वापस से इंटर करके कन्फर्म कर लेता हूँ, यानी कि सेट कर लेता हूँ ओवरऑल, और मुझे सबमिट पर क्लिक कर देना है। पिन इंटर कर दिया है, रीइंटर भी कर दिया है, सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि रिमेंबर पिन, आपको इस पिन को याद रखना है। इसी मोबाइल में दोबारा से IRCTC अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपको यही पिन इंटर करना होगा, या फिर आप पिन भूल जाते हो तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आपका IRCTC अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब ट्रेन टिकट की बुकिंग कैसे करनी है, यहाँ पे आपको ट्रेन्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। ऐप ओपन करते ही ट्रेन्स का ऑप्शन दिखाई देता है, सिंपली आप ट्रेन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप ट्रेन बुक कर सकते हो, बुक किए हुए ट्रेन को देख सकते हो, PNR इंक्वायरी कर सकते हो, लास्ट ट्रांजेक्शन देख सकते हो, अपकमिंग जर्नी के बारे में जान सकते हो, कोई टिकट कैंसिल करना हुआ तो कैंसिल कर सकते हो, फाइल TDR कर सकते हो, रिफंड हिस्ट्री देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको चार्ट वैकेंसी का भी ऑप्शन मिलता है, चलती ट्रेन में आप पता कर सकते हो कि कब कब कौन कौन सा सीट कहाँ कहाँ तक खाली रहने वाला है। तो अगर आप IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करने के बारे में जानना चाहते हो, कंप्लीट ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आपको IRCTC ऐप को यूज़ करके ट्रेन टिकट की बुकिंग करनी है, यानी कि रिजर्वेशन करनी है। बाकी तत्काल टिकट के बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप ये दूसरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो।